गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमार स्वामी ISBM यूनिवर्सिटी से BSc फाइनल ईयर के जो लेक्चर चल रहे हैं फिजिक्स में जो पेपर वन है, तो BSc फाइनल का ये जो टॉपिक है यूनिट फोर का लास्ट टॉपिक है मॉलिकुलर फिजिक्स आणविक भौतिकी। तो ये जो टॉपिक है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक जो पहले जो टॉपिक है उसी से मिलता जुलता है, बहुत सारे कंसेप्ट उससे मिलते जुलते हैं। तो आप जो टॉपिक आज फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसके जो पहले के जो वीडियो हैं जिसमें एक्सरे जो है स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो वीडियो था वो ज़रूर देखें, तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो परमाणुविक जो वर्णक्रम है, आणविक जो भौतिकी है, वो हमने लास्ट पढ़ा था। परमाणुविक वर्णक्रम में हमने पढ़ा था कि एक रैखिक लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, लाइंस मिलते हैं इसमें अपन को, और जिसमें उत्सर्जन जो है परमाणुविक अवस्था में होता है, जो एमिशन होता है वो एटॉमिक स्टेट में होता है। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी होगा वो मॉलिकुलर लेवल पे होगा, तो मॉलिकुलर लेवल पे जो स्पेक्ट्रम जो होगा उसको हम लोग मॉलिकुलर फिजिक्स या मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये जो है बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और हम थोड़ा सा क्लियर करें कि जो एटम जो होता है, एटॉमिक जो होता है, परमाणुविक जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूल जो है ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसमें क्या खास बात होती है, इसमें बैंड्स में जो है स्पेक्ट्रम बैंड्स में होता है, और इसमें जो है एक शॉर्ट वेवलेंथ के बैंड्स भी होते हैं। बैंड मतलब क्या होता है कि जो वेवलेंथ हैं, जो स्पेक्ट्रम जो लाइंस हैं वो बहुत पास पास जो है एक बैंड के फॉर्म में दिखता है, और इसमें एक शॉर्ट वेवलेंथ में जो वेव्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिनकी इंटेंसिटी कम होती है शॉर्टर वेवलेंथ का बोला जाता है, और दीर्घ जो तरंग दैर्ध्य है वो लॉन्ग वेवलेंथ जिसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डेंस होगा जो बहुत पास पास होगा, तो इसको हम लोग दीर्घ तरंग दैर्ध्य या लॉन्ग वेवलेंथ बोलेंगे। दोनों वेवलेंथ जो है कंटिन्यूस होगा, डिस्क्रीट होगा और कंटिन्यूस होगा। और यहाँ पर सेकंड जो है कि एक नियमित क्रम में ये बैंड जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरीके से अटैच होता है, जिससे क्या होता है कि बैंडों का समूह बन जाता है। बैंड के विभिन्न समूह इतने पास आ जाते हैं कि वो एक पूरा बैंड का सिस्टम बन जाता है, एक बैंड का निकाय बन जाता है। ये तीन खास बातें होती हैं जो यहाँ ये स्टार्टिंग है कि हम पहले तो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम था और मॉलिकुलर जो स्पेक्ट्रम था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग हम समझ रहे हैं कि क्या होता है उसमें, वो लाइन में स्पेक्ट्रम होता है या बैंड में होगा, तो बैंड किस तरीके से होंगे, एक बैंड के बाद दूसरा बैंड होगा, बहुत सारी पतली पतली लाइंस होंगी जिनको हम बैंड बोलेंगे, कंटिन्यूस होगा ये। और हम जब प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में जब देखते हैं तो ये तीन रीजन में हमको मिलता है, और तीनों के जो कॉज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हम लोग जब एटॉमिक लेवल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन की बात हो रही थी, स्पिन मोशन की बात हो रही थी, यहाँ पे जब बात होगी तो यहाँ पर तीन टाइप के ट्रांजिशन की बात होगी। एक होगा इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो ट्रांजिशन है, उसका हिंदी नाम जो है संक्रमण है, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, और यहाँ पर कांपनिक संक्रमण, और उसके बाद घूर्णन संक्रमण। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आता है, इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेशंस करते हैं, जो कंपन करते हैं, वो कांपनिक या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है, और जो अपने एक्सिस पे घूमता है तो वो आपका घूर्णन संक्रमण या रोटेशनल संक्रमण होता है। इन तीनों रीजन में हमको जो मॉलिकुलर जो स्पेक्ट्रा है, आणविक जो वर्णक्रम है वो मिलता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो आपका विजिबल लाइट का होता है, मतलब यहाँ पे दृश्य तथा पराबैंगनी विजिबल और यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संक्रमण होगा, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होंगे। इसमें जो दोनों दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और ये इसके बीच का जो डिफरेंस है उससे हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो HC/EG की वैल्यू अगर यहाँ पुट अप कर दें तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आएगी विजिबल रेंज में आएगी,
और वैसे ही सेकंड जो होगा वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से होगा, जो कांपनिक संक्रमण होगा, तो कांपनिक संक्रमण जो वाइब्रेशंस होते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस वाइब्रेशन के कारण ये स्पेक्ट्रम बनेगा। और इसमें जो डिस्क्रिट जो इंटरवल है, विविक्त जो गैप है, अंतराल है, ईजी जो है वो आपको 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। और तीसरा जो है वो दूर अवरक्त क्षेत्र जो है, फार इंफ्रारेड की जो बात करते हैं, वो 0.005, बहुत ही कम ऊर्जा के कारण जो है, एनर्जी के कारण होगा, जो कि रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये भी डिस्क्रीट होगा, और इसका जो इंटरवल है ये मिला हुआ है। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, तो E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा के फॉर्म में अगर रख दें इसको, तो ये हमको जो वैल्यू जो मिलनी है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बताऊँ इसको, मैं यहाँ पर जो सिंपल जो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, इस फॉर्मूले में रख के मैं लैम्डा की वैल्यू अगर SC बाई E निकालता हूँ, तो यहाँ पर ये तीनों जो रीजन्स हैं वेवलेंथ के, वो हमको मिलेंगे। अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये टोटल एनर्जी जो है इन तीनों का सम होगा, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक और जो इंफ्रारेड का जो रीजन है, अल्ट्रा वायलेट जो रीजन है और ये इंफ्रारेड का जो रीजन है, तो इन सभी का जो टोटल सम होगा वो टोटल एनर्जी मिलेगी। तो ये बेसिक साइंस के। इसके बाद हम लोग अगर डायग्रामेटिक समझें, तो यहाँ पर जो एटम का जो लेवल है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी को मैं इस एक्सिस में बताऊँ और यहाँ पर इसके स्टेट्स के बताऊँ, तो यहाँ पर ABC जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगे, अवस्थाएँ होंगी, और उसके बीच में जो 1, 2, 3 है वो आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, और उनके बीच में जो पतली पतली लाइंस जो दिख रही है वो घूर्णन अवस्थाएं होंगी। तो यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी और डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो एनर्जी है एक जगह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फिर जो है ये कम होगा, ये सिंपल पोटेंशियल की तरह व्यवहार करता है। अगर द्विपरमाणविक अणु की गति में बात करूँ, अगर मेरे पास दो जो है मासेस हैं M1 M2, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र है वो अगर C है, इन इसका जो वैल्यू है R1 और R2 है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जो है R1 R2 है, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बात करूँगा मैं, जड़त्व आघूर्ण की जो बात करूँगा मैं, वो I इज इक्वल टू MR² होता है। तो एक के लिए M1 R1² और दूसरे के लिए M2 R2², ये दोनों का सम हो जाएगा, टोटल सिस्टम के लिए ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर मैं पुट अप करूँ, यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि M1, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जो है M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 होता है, और जो टोटल R जो होगा वो R1 + R2 होगा, वो डायग्राम से क्लियर यहाँ मेंशन हो रहा है, दिख रहा है कि R जो है वो दोनों का सम है। इसी को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से मैंने R1 निकाला, और R1 निकाल के R1 की वैल्यू मतलब R2 की वैल्यू निकाली मैंने R1 के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में मैंने पुट अप कर दिया, तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो R की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो R1 और R2 हम दो वैल्यू निकाल लेंगे, और उन दोनों वैल्यू को जब इस इक्वेशन में I इज इक्वल टू M1 R1² + M2 R2² में जब पुट अप करूँगा, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, एलसीएम दोनों का सेम होगा, M2² R² M1² R² आएगा, दोनों में से M1 M2 में बाहर निकालूंगा, तो जो वैल्यू मेरे पास जो बचेगी वो कॉमन ये बचेगा। और यहाँ पर जो M1 M2 / M1 + M2 जो है, इसको हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, सम्मानित द्रव्यमान बोलते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू से डिनोट करने पर जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू M r² हो जाएगा। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का मान निकलेगा। कोणीय संवेग की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने अणु के जो घूर्णन गति है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो घूर्णन गति के, रोटेशनल मोशन के जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सब यूज़ करेंगे। तो कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, P इज इक्वल टू I ω, I का मान हमने निकाल लिया है, वो वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, हाफ I ω² है, ये 11th की क्लास में हम पढ़े हुए हैं,
ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ई इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू जो इक्वेशन से निकाल कर, आई की वैल्यू इस इक्वेशन से जो है हम लोग निकाल सकते हैं, जो पी बाई ओमेगा हो जाएगा। और पी बाई ओमेगा को यहाँ रखने पर ओमेगा की वैल्यू या पी की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो आपके जो अलग अलग फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हम जानते हैं कि जो ई जो होता है, जो कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, वो अंडर रूट जे जे प्लस वन एच बाई टू पाई होता है। तो यहाँ पर इस पी की वैल्यू को मैं इसे सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, जिससे कि अंडर रूट हट जाएगा और मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जे जे प्लस वन, और साथ में जितनी भी वैल्यू है उसको मैं बी ले लूँगा, जिसको रोटेशनल कांस्टेंट बोलता हूँ मैं, और जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल जो वैल्यूज़ हैं हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए किस प्रकार से होंगी वो निकाले हैं हम लोग, और इसमें बी के फॉर्म में जब जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो E1 का मान बी के फॉर्म में इस प्रकार से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको इतना ही करना है, इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर में आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग क्या है सबसे पहले, क्योंकि स्कैटरिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कैटरिंग समझने के बाद ही हम लोग रमन इफेक्ट तक पहुँच पाएंगे। तो ये प्री रिक्विजिट है, ये प्री रिक्विजिट हमको करना है कि सबसे पहले हमको समझना है कि जो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा होता क्या है, रोटेशनल वाइब्रेशनल जो लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, वो क्या हैं। इसको करने के बाद में फिर हम लोग रमन इफेक्ट की बात करेंगे, और रमन इफेक्ट में ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, हम लोग दो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ये पहला लेक्चर था, और दूसरे लेक्चर में हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म करेंगे, और ये फाइनल के यूनिट्स हैं। कई बच्चों का अभी कोविड के कारण ये कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ होगा, उनको ये टॉपिक आप लोग शेयर करें, ताकि ये साथ ही साथ हम लोग ये टॉपिक ख़त्म कर लें। और जो भी डाउट हो वो YouTube चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी है एक मतलब साथ ही साथ हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। मैं एक दिन में ये वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो भी सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।